फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान हब। माय सेल्फ मिस प्रिया एंड टुडे आई एम हियर विद माय न्यू टॉपिक फॉर क्लास 9। सब्जेक्ट इज हिस्ट्री एंड द चैप्टर नेम इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड हाउ द फ्रांस डिवाइडेड देयर पावर इनटू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी एंड हाउ दे हैव फोर्स द किंग टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने लास्ट वीडियो में जो भी पढ़ा था, उन्होंने अपने पावर्स को डिवाइड कर दिया था, एक्टिव और पैसिव सिटीजनशिप कर रखी थी उन्होंने, और इलेक्शन इलेक्ट करने का मेजर हक किसे था, ये सब चीज़ हमने डिस्कस किया था। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि उन्होंने मोनार्की सिस्टम को जड़ से कैसे निकाला, हाउ दे हैव अपरूटेड इरेडिकेट द मोनार्की सिस्टम एंड हाउ दे मेड देमसेल्फ अ रिपब्लिक। फॉर दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने प्रीवियस वीडियो की डिटेल्स डाल रखी है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जाकर आप मेरी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। एंड येस, दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड येस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो नाउ हियर कम्स आवर टॉपिक। ऑल्दो हमें पता था कि राजा जो थे, जो किंगशिप जो चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन भी था, किंगशिप भी थी। हमारे लास्ट वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो था, कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा था नेशनल असेंबली के थ्रू, बट कहीं ना कहीं क्या था, मोनार्की सिस्टम भी था, क्योंकि हमने इसमें किंग को एज अ हेड बना के वर्क करवा रहे थे। बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि कंडीशन जो थी फ्रांस की, वो डे बाय डे, टाइम टू टाइम क्या होने लगी, और भी ज़्यादा टेंस्ड होने लगी। जबकि किंग ने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर रखा था, बट फिर भी कंडीशन क्या थी, वर्स्ट होने लगी थी। ओके, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, लुई सिक्सटीन ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, अपने आप को खुद से हटाने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ लुई सिक्सटीन का रहा। उन्होंने क्या किया कि अदर कंट्रीज से, अगर हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि अदर कंट्रीज में क्या था, एक तो है प्रुशिया और दूसरा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से आपको पता है क्योंकि जो वाइफ थी वो ऑस्ट्रेलिया की थी, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको क्या हुआ, अपने ससुराल का हक मिला, और यहाँ पे क्या हुआ, उनके जो फ्रेंड्स थे, जो रिलेटिव थे, वो यहाँ से प्रुशिया से आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि इन कंट्रीज के संग मिलकर एक सीक्रेट नेगोशिएट किया कि हम नेगोशिएट करते हैं कि हम क्या होगा, कि कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज को भी यही डर था कि जैसे फ्रांस में डे बाय डे क्या हो गया, जो नॉर्मल पीपल है, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि एरिस्टोक्रेट्स पे ज़्यादा हावी हो रहे हैं। तो आज ये कंडीशन फ्रांस में है, तो अदर कंट्रीज को भी ये फील होने लगा कि कहीं हमारे यहाँ के भी सिटीजन्स इनसे इंस्पिरेशन होके, इनसे इंस्पायर होके कहीं हमारे संग भी ऐसा ना करें। तो प्रुशिया और ऑस्ट्रेलिया ने क्या कि इनके संग नेगोशिएट किया कि अब हम इनके संग वॉक करेंगे। ये अभी सिर्फ एक कंस्पिरेसी चल रही थी, अभी ये हुई नहीं थी, बस ये बातें चल रही थी। बट इससे में क्या हुआ, रीजन क्या था कि अदर्स गेट वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस की, क्योंकि जैसे जैसे उन्हें फील हो रहा था कि अरे फ्रांस में ऐसा हो रहा था, हमारे संग भी ऐसा हो सकता है। बट अभी कंस्पिरेसी चल ही रही थी, क्या था, कंस्पिरेसी चल ही रही थी। बट उस बीच में क्या हुआ, बिफोर दिस कुड हैपन, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। इससे पहले नेशनल असेंबली को जहाँ पता चला, उन्हें जहाँ अपने सूत्रों से पता चला कि अच्छा ठीक है भाई, ये ऐसा ऐसा प्लान कर रहे, हमें ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें, इससे पहले हम ही धावा बोल देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। और उन्होंने क्या किया, प्रुशिया और ऑस्ट्रेलिया के संग अपने फाइट को, अपने वॉर को कॉल ऑन कर दिया कि चलो भाई अपन तो युद्ध करेंगे तुमसे। ओके, इसमें क्या हुआ, उन्होंने फाइट किया, लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, वो जीत भी गए। इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिली वो क्या थी कि इसमें थाउजेंड्स वॉलंटियर्स ज्वाइन द आर्मी। जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तो कहते हैं कि यूनिटी हैज़ अ स्ट्रेंथ, कि ये एकता में ही बल होती है, शक्ति होती है। तो क्या हुआ कि जब नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर किया, तो उस टाइम क्या, जितने भी वॉलंटियर्स थे, जितने भी लोग थे, वो क्या कि उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। जब मेल्स आर्मी ज्वाइन करने के चले गए, तो फीमेल्स ने क्या किया, घर को संभाला प्लस बाहर की बिजनेस को भी संभाला, क्योंकि जाहिर सी बात है जब घर का जो कर्ता धरता, जब मुखिया ही बाहर युद्ध करने चला जाएगा तो घर कौन संभालेगा, महिलाएं संभालेंगी। वो शॉप पे भी काम कर रही थी, वो अपने घर को भी देख रही थी, अपने बच्चों को भी देख रही थी, और ये वॉर चला। और फिर फाइनल क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने वॉर जीता। उस टाइम में क्या हुआ, मार्शले सॉन्ग जो था, मार्शले से जो सॉन्ग था, वो आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में भी उन्होंने, वो जो रास्ते से वो जब गुजर रहे थे, तो सॉन्ग को वो गाते हुए चल रहे थे। जब वो यूथ के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने मार्शले सॉन्ग जो था, उन्होंने सॉन्ग को गाया था, और प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम में, वो फ्रांस का क्या हो गया है, नेशनल एंथम हो गया है, ठीक है ना। और ये जो सॉन्ग था, ये कंपोज किया गया था रॉबर्ट डी एशले के थ्रू किया गया था। ये वन मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं कि किसके थ्रू कंपोज किया गया था, रॉबर्ट डी एशले के थ्रू किया गया था, और प्रेजेंट टाइम में ये फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट कि थाउजेंड वॉलंटियर्स ने इन्हें ज्वाइन कर लिया था, ये वॉर जीत भी गए थे। जब जाहिर सी बात है, जब नेशनल असेंबली में वॉर जीता, तो उसमें क्या आते,
पीसेंट्स, आपके आर्टिशंस, ज्यादातर लोगों ने आर्मी ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड स्टेट पूरा का पूरा नेशनल असेंबली ग्रुप बन के गया। बट इसमें क्या हुआ कि जब वो वॉर को जीत गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमांड की कि हमें वोटिंग राइट्स इक्वल मिलने चाहिए। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, प्लीज आप हर एक वीडियो अच्छे से देखिएगा तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। हमने इससे पहले वीडियो में क्या देखा था कि वोटिंग राइट्स सिर्फ जो थर्ड स्टेट में जो हाई प्रोस्पेरस लोग थे, जो हाई स्टेट्स के जो लोग थे, जो अच्छे थे, तो जो थोड़ा एजुकेटेड थे, उन्हें सिर्फ था। बाकी जो बहुत लो लेवल के थे, लो स्टेटस से जो बिलोंग करते थे, दे वर नॉट अलाउड टू वोट। हमने यही पढ़ा था कि पैसिव जो होते थे उन्हें अलाउड नहीं था, बट एक्टिव जो सिटीजन थे सिर्फ दे वर अलाउड टू वोट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जब वो वॉर जीत गया नेशनल असेंबली, तो उन्होंने मांग की थर्ड स्टेट के सेम असेंबली के ही लोगों ने मांग की कि हमें भी इक्वल वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो, जाहिर सी बात है जब अपने ही पार्टी में मतभेद होगा तो तरह तरह के पॉलिटिकल क्लब्स बने। उनमें से जो एक क्लब जो एनसीईआरटी में बहुत व्याख्या की गई है जिसकी, वो था आपका जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब क्या था, कौन इसके मेंबर्स थे, कौन इसका लीडर था, हाउ दे वर्कड, ये हम पढ़ेंगे। इसमें दो चीजें हमें सीखने को मिली कि क्या था कि पहले जो स्टेट असेंबली थी मोनार्की सिस्टम में क्या होती थी, स्टेट असेंबली होती थी। इसमें तीन स्टेट के लोग आते थे, वो सिंगल सिंगल वोट करते थे और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव बनते थे। बट इसके बाद क्या, जब नेशनल असेंबली फॉर्म हो गई आपकी, जब थर्ड स्टेट वॉकआउट कर गया असेंबली हॉल से, उन्होंने अपनी खुद की असेंबली फॉर्म की नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली में क्या हो गया कि यहाँ पे लोग क्या करने लगे, आपस में ही एक्टिव और पैसिव सिटीजन वोटिंग करने लगे, जिसमें सिर्फ पैसिव सिटीजन अलाउड थे, एक्टिव अलाउड नहीं थे। जब इन्हें पता चला कि जो राजा वो हमारे खिलाफ युद्ध करने की प्लानिंग कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, धावा बोला और वो युद्ध जीत भी गए। उसमें क्या था, 1000 वॉलंटियर्स आपके ज्वाइन किए गए थे। बट जब वो युद्ध जीत गए तो उन्होंने डिमांड की कि हमें भी इक्वल राइट होना चाहिए कि एवरी कैन वोट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही वोट कर सकते, हम भी वोट कर सकते हैं। और जब इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आया तो उन्होंने अपने क्या किया, खुद के पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म किए। तो जाहिर सी बात है एरिस्टोक्रेट्स के पॉलिटिकल क्लब्स अलग चल रहे थे, जो नॉर्मल पीसेंट्स वगैरह थे उनके क्लब अलग चले थे, जिसमें से आपका जैकोबिन क्लब बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा। दिस इज ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और बने रहेगा मेरे इस वीडियो को और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हमारा जैकोबिन क्लब, जिसमें हम फाइनली जानेंगे कि कैसे फ्रांस ने मोनार्की सिस्टम को जड़ से निकाल फेंका और खुद को रिपब्लिक घोषित किया। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड येस That's all for today. Thank you for watching my video.